फिर इतने सालों से एक ही सपना तो देख रहे हो, अभी तक तो आदत भी हो जानी चाहिए। लेकिन तुम ना अभी भी, मैं कौन हूँ, कहाँ पहुँच गया, ये फेज में रहते हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे पहचाना नहीं क्या? फियांसी हूँ तुम्हारी और बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। अच्छा ये तो बता दो, सपने में क्या देखा? गुड लुकिंग, टॉल, हॉट सी, अदाओं वाली, या लड़की कैसी थी? नाइटमेयर था, डरावना सपना, और तुम मुझे मेरे सपने में लड़की के बारे में पूछ रही हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक गॉड तुम्हारे सपने में कोई लड़की आई, क्योंकि मेरे दोस्तों को तुम पर पूरा शक था, कहते ये कैसा लड़के को तू डेट कर रही है जो दिन भर अपने काम में बिजी रहता है। इसका क्या मतलब है? वो सब छोड़ो तुम, पॉइंट की बात ये है कि जब तक तुम्हारे सपने में कोई लड़का नहीं आए और रियल लाइफ में कोई लड़की, मुझे मेरी भगवान जैसे कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तन्वी, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती? तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कि तुम सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो, और ये कि हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? रितिक, मुझे ये प्यार व्यार और केमिस्ट्री बहुत ओवररेटेड लगती है, और वैसे भी जिनके बीच रहता है ना, उनका 3-4 या 5-6 साल में वैसे भी ओवर हो जाता है। देखो शादी वही चलती है जिसमें दोस्ती हो, और क्या पता साथ रहते रहते तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी किसी को भी प्यार कर पाऊंगा, मेरे लिए प्यार कभी इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं है, मैं प्यार में विश्वास ही नहीं करता। हाँ एक डील जरूर कर सकता कि तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल रहूंगा। डील मंजूर है, अब चलें क्योंकि पूजा के लिए हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तुम जाओ, मैं काम करके आता हूँ। अरे कितने ड्राई हो तुम, तुम्हें प्यार नहीं करना, पूजा नहीं कर सकते, वो गॉड से तुम्हें एंगेजमेंट तो करनी है ना, तो जल्दी से चलो क्योंकि पूजा के बाद हमें पंचनेर के लिए निकलना है, और वहां लेट हुए ना तो तुम्हारी फैमिली हमसे अपसेट हो जाएगी। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मेरी फैमिली अपसेट हो जाएगी क्योंकि हम लेट हो जाएंगे? तुम इतने सालों में ना सिर्फ मुझे जान पाई हो, मेरे फैमिली को नहीं। मेरी फैमिली कभी लेट हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली सबसे ज्यादा लेट होती है। बाकियों के घर में मम्मियों के वैसे लेट होता, लेकिन मेरे घर में मेरे यंग और रेस्टलेस डैड की वजह से 4:30 निकल आए, पेड़ और आ जाए बस। इन दिनों डैड का बस एक ही गोल है, उनके 6 packs, प्राण जाए लेकिन फैशन ना जाए, यही है उनका फंडा। पहले ब्लैक वाला सूट चूज करेंगे, फिर ग्रे, फिर आएंगे उनकी लाइफ की हीरोइन यानी कि मेरी मॉम, और वो बोलेंगी, ओहो ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर वालों ने जिस चीज को इतने प्यार से बनाया उसकी कद्र कर रहा हूँ। अरे एक बार देखो तो सही, एंगेजमेंट आपकी नहीं आपके बेटे की है। आई नो, लेकिन क्या करूं बीवी जी, आपके बेटे का डैड है इतना डैशिंग और हैंडसम कि मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ ना कौन से कलर का सूट पहनूं कि जितना क्लीन कट उससे भी ज्यादा स्वैग वाला लगूं। अब ये स्वैग क्या होता है? ले स्वैग नहीं सुना? अरे वो बन्नू तेरा स्वैगर वाला स्वैग। आपको तो स्वेटर सुनाई दिया होगा ना। अच्छा बताओ ना कौन सा कलर का पहनूं? सफेद पहनेंगे आप, क्योंकि आज शिव जी की पूजा है और उनको सफेद रंग बहुत पसंद है। ले मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत यूनिक है, सबको एक साथ कर दो तो एक्शन इमोशन ड्रामा कॉमेडी सब एक ही साथ हो जाए। सुनिए आपने ये काला सूट क्यों पहना? मैंने कहा था ना कि सफेद पहनेगा, शिवजी को सफेद रंग पसंद है। मुझे पता है कि शिवजी को सफेद रंग पसंद है, लेकिन पार्वती जी को पक्का काला रंग पसंद होगा, एंड मी बीइंग अ लेडीज मैन पार्वती जी को भला कैसे नाराज कर सकता हूँ? कैसा लग रहा हूँ? अब ये काला रंग तो मत पहनिए, कोई अपशकुन हो गया तो। This is Italian fabric, Paris, Milan, दुनिया की कैपिटल है, और वहाँ के जो टॉप मॉडल्स और डिजाइनर्स हैं, वो आजकल ये फैब्रिक पहन रहे हैं। पता है चाचा जी, जब आपने ये पहली बार इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, सिर्फ तभी ये नहीं थी, अब तुम ये 500-600 भी बार बता चुके हो। किताबी नर्द, तुम क्या जानो फैशन का स्वाद क्या होता है? चाची जी जल्दी चलो, पापा कब से बुला रहे हैं। चलो come on, come on, come on.
की है, दिखाई नहीं दे रहा। बेटा यहाँ है, ठीक प्रसाद के टाइम पे। ये लीजिए पर्ची। बाहर कोई तूफान आया। बाहर आए तो ठीक, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। अब खिड़कियां खुली रहेंगी तो आ ही जाएगा। थैंक यू। अगर मन में भक्ति हो और घर में भगवान का वास हो तो नहीं आता। माँ आपकी श्रद्धा भी ना, कोई भी तूफान आ जाए कभी नहीं हिलेगी। वैसे अपशगुन होने से बचा लिया, पंडित जी की दाढ़ी जलाने से बचा रहा था। तुम बाप बेटे मेरे किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। दिव्या अब माँ तुम्हारे पास फोन है, परेशान करके रखा है। इसकी देख टेंस हो गई, अब बेचारी यही सोचती रहेगी कि कहीं मुझ पर कोई खतरा ना आ जाए। तो फिर पंडित जी बताइए ना, दुविधा क्या है? ऋतिक की कुंडली के अनुसार जो शुभ समय अब तक था 5 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब उसके 25वें जन्मदिन पर? आपका डर उचित है। राहु और केतु दोनों एक ही घर में आकर बैठ गए हैं। तो उपाय होगा ना पंडित जी? है, ऋतिक की शादी किसी भी हालत में उसके 25 साल के होने के पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो जैसे ही ऋतिक 25 साल का हो जाएगा, उसके 25 वर्ष के होते ही उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। 20 साल बाद पचने जा रहे हैं, मुंबई से 300 किलोमीटर दूर, वो भी एक छोटे से गांव की पुरानी सी हवेली में, अपने बेटे की एंगेजमेंट के। ग्रेट, जाना तो पड़ेगा ना एंकी जी, नहीं तो उसकी जिंदगी खतरे में है। तभी उस कष्ट का निवारण हो सकता है जो 20 साल। बार बार कहा है उस बात को मत दोहराया करो, बड़ी मुश्किल से उस बात को भुला पाया हूँ। एक नया आदमी बन पाया हूँ मैं। सूट बूट के पीछे अभी भी वो कहीं इंसान है। डरा हुआ कि 20 साल पहले जो हुआ था वो कहीं वापस ना आ जाए। उस राज को उस रात में ही रहने दो। कौन सी रात डैड? कौन सा रात? Did I miss anything? No, कौन सी रात, कैसी रात? लेकिन ये बता कि उस रात तेरा ध्यान कहाँ था जब मैंने तुझे समझाया था कि जब दो जवान लोग प्राइवेट में बात कर रहे हों तो चोरी छुपे बातें नहीं सुनते हैं। और वैसे भी हम दोनों जैसे न्यूली वेडेड कपल के तो कई राज हो सकते हैं ना? देख जरा हम दोनों को, एक ब्यूटीफुल और एक हैंडसम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे मॉम डैड वर्ल्ड के सबसे रोमांटिक कपल है। जितना भी रोमांस और ग्लैमर है ना, वो सब तेरे डैड की वजह से, तेरी मॉम बहुत बोरिंग है। और हम लेट भी आप ही के वजह से होते हैं। सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, पंजने नहीं जाना, चलो चलते हैं। किसी भी तरह शिवरात्रि खत्म होने से पहले हमें पंचनेर पहुंचना होगा, हमारी पुश्तैनी हवेली। इंटरनेट क्वीन, तू तो अमृता दीदी के साथ आने वाली थी। वो क्या है ना, अंगद भैया ना उनके साथ बैठ के कुछ तो चन्ना अमृत की बातें कर रहे हैं, बट मुझे ना साफ साफ पता है कि वो दीदी की ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप हमारे साथ बैठ जाओ। किडो किडो, आई एम नॉट अ किड, आई एम 17। अरे ऋतिक सुन 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 सुन, सुना तेरे सपने में कोई लड़की आई थी, क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं यार, वो टेंशन हो जाती है ना यार, मेरी भतीजी का होने वाला हस्बैंड है, हमारा जवाई राजा है, तो तेरा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना यार। तू टेंशन मत ले, और अपनी भतीजी को भी बोल कि टेंशन ना ले, सिर्फ सपना था, उसका कोई मतलब नहीं था। नॉट ट्रू, पता सपनों के कई मतलब होते हैं। लोग कहते हैं कि सपनों के थ्रू जो चीज हम देखते हैं ना, वो ही हम चाहते हैं। तेरा 3G डेटा प्लान बंद करना पड़ेगा, चले। तो चलो चलो, मैं तो कब से बोल रही हूँ चलो, आप लोग ही लेट करे जा रहे हो। कितनी लेट हो गई है।
क्या देख लें, क्योंकि आज पूजा के बाद जो तूफान आया है तब से मुझे वहम लगने लगा है। यामिनी भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है वहम करना आपकी हॉबी शॉपी हो गई है। काम्या बिल्कुल ठीक कह रही है यामिनी जी, आपको वाकई थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। अरे आज तो वैसे भी लकी डे भाई, हमारे बेटे की एंगेजमेंट और वो भी आपकी पर्सनल चॉइस की जगह पे। हाँ पंच ने क्या हुआ, तुम बार बार वहां रब कर रहे हो? अरे जलन सी हो रही है, देखो जरा। अच्छा ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो बाइट मार्क है। आ, किसी मच्छर वच्छर ने काटा होगा। ना 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 ना, ये मच्छर के काटने का बाइट नहीं है, ये लव बाइट है। ये लव बाइट नहीं है, ये किसी और चीज का निशान है। रुको मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ। भैया ये तो सांप के काटने का निशान है। आप ठीक तो हैं? अर्जुन पानी देना। ऋतिक बेटा, बेटा इन्हें कुछ पैसे दे दे ये अपना। नहीं पापा, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ये हम कहाँ आ गए? ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चाचा आपको बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आप। बेटा जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। और आज तो स्वयं काल के काल महाकाल की रात है, मौत के मालिक की रात। जब तक उसकी कृपा दृष्टि है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर नजर पलटी तो किसी की खैर नहीं। क्यों पलटती है शिव की नजर? जब कोई उसके सेवकों को चोट पहुंचाता है, उसके सांपों को चोट पहुंचाता है, वो नाग मंदिर शिव शिवरात्रि की रात को इतना चमकता है, शिव शंभू के सिर पे लगे चंद्रमा की तरह। हे भगवान, ये तो पंचनेर का वही मंदिर है जो 20 साल पहले। बड़ी मान्यता है इसे। जिनकी किस्मत में यहाँ आना नहीं लिखा होता है वो उन्हें दिखाई ही नहीं देता, और जिनकी किस्मत इस मंदिर से जुड़ी हो उन्हें ये पुकारता है, अपनी तरफ बुलाता है, चाहे वो इसे ना देखे। मैंने ये मंदिर कहीं देखा है, ये मंदिर मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? स्ट्रेंज यार, ये लगता है ये आप सांप ना हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुबह से किसी न किसी चीज को लेके उनकी ही बातें हो रही है। क्या 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 तुम्हें किसी सांप ने काटा? आप भी ना इनकी बातों में। ये कब हुआ? कैसे हुआ ये? पता नहीं, नींद से उठा तो निशान था, सो रहा था, अजीब सा सपना आ रहा था उसमें। क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? माँ अब ये मत कहना कि सपने वाले सांप ने सच में काट लिया। पता नहीं, लेकिन ये तो किसी के सांप के काटने का ही निशान है। माँ अगर सांप ने काटा होता ना तो मैं आपके सामने यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। चुप कर, थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। अरे मार लो, लेकिन हाइपर होना बंद करो। कोई सांप नहीं और ना ही कोई सांप आने वाला है, हम सब सेफ हैं। अगर हमें किसी से खतरा है ना तो वो एक ही से है, अमृता दीदी से। ऋतिक अब ये मजाक बंद करो, और तुम सब मेरी बात सीरियसली सुनो, और अगर यहाँ किसी को कोई सांप दिखता है कहीं भी तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। तन्वी बेटा, ये अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता, इसलिए आज से इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुझ पे है, समझ गई ना? जो वरी आंटी। अर्जुन तू भाई की गाड़ी लेके आ, ऋतिक तू मेरे साथ चल। रिलैक्स मॉम, चलो। हाँ?
कब आएंगे राजा साहब? अरे भाई आएंगे तो जरूर आज। अरे लगता है आ गए राजा साहब। अरे वो तो उन्हीं की तरह लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मालिक आपसे मिलने के लिए आए हैं। इनसे बोलो कल आके मिला। जी ठीक है मालिक। क्या हुआ डैड? कौन है ये लोग? लोकल्स। कुछ लोकल इश्यूज लेकर आए होंगे बात करने के लिए। आई हैंडल इट, डोंट यू वरी। वैसे डैड हम यहाँ पहले कभी क्यों नहीं आए? मैं तो तेरी इंगेजमेंट में भी नहीं आना चाहता था, वो तो तेरी माँ ही नहीं मान रही थी इसलिए आना पड़ा। चल। ही खानदान से हो, हवेली एंड ऑल आ नाइस। मतलब शादी के बाद तो मुझे रानियों के जैसे रखोगे, लाइक लिटरली रानियों के जैसे। ओ, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? इसी हाथों मेरे सारे ज्वेलरीज है इसमें। सीरियसली तुम्हें अपनी ज्वेलरी की पड़ी है? मैं तो ये सोच रहा हूँ इस जगह के बारे में हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। आई मीन लुक एट दिस प्लेस यार, इतना बड़ा घर। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं दिवाली क्या, मैं होली, न्यू ईयर, क्रिसमस, हर एक फेस्टिवल की ताश पार्टी यहीं करता। पता है अगर मुझे पता होता ना तो मैं तो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को लेकर इधर ही आता। यस। और पता है बोनस क्या होता? इस सुनसान हवेली को देखकर हर लड़की डर जाती और फिर शुरू होती अर्जुन की रासलीला। गाइस इतनी बड़ी दारू की बोतल और वो भी खाली, सोचो कितने लोगों ने दारू पी होगी यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले आकर बारी मिला देखने को। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। क्यों? इतनी बड़ी हवेली तो मैंने सिर्फ टीवी शोज में देखी है यार, वो भी किसी भूतिया या रहस्यमय शो में। सो फिर तो इस हवेली के अंदर एक भूतिया देखा जरूर होना चाहिए जिसके अंदर एक मरी हुई औरत है। जेंडर इक्वालिटी भी तो कोई चीज होती है ना। आई मीन भूत कोई हैंडसम सा लड़का भी तो हो सकता है। आई डोंट माइंड। दीदी तुम माइंड नहीं करोगे, ये सबको पता है, पर अगर आदमी का भूत हुआ ना तो तुम्हें देख के जरूर डर जाएगा। कुछ भी बोलता है। सही तो कह रहा हूँ मैं। सोचो अगर इस सच में एक भूतिया हवेली होती और वहां दूर एक कोने में एक कमरा होता जिसमें एक बाथरूम में सुंदर सी लड़की नहा रही होती और फिर एकदम अचानक से एक आवाज आती। जरूरी नहीं ये हवेली भूतिया हो। यस। याद है रास्ते में वो शिवजी का मंदिर? यस। और फिर ऋतिक भैया के गर्दन पे सांप के काटने का निशान? यस। मुझे तो लगता है ना इस हवेली में ना सालों से सांप रह रहे हैं जो 100 साल तक नहीं मरते। यस। ओ कम ऑन गाइस, तुम लोग आज भी वो पुराने टीवी शोज देखते हो क्या? ये रियल लाइफ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और ये पापा की पुश्तैनी हवेली है और हम यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए, बस इसीलिए ना कोई चीखना होगा और ना ही कोई सांप आएगा। तो चुप कर, पता कितना मजा आ रहा था अभी। जस्ट इमेजिन करो अगर ये कोई फिल्म सीन होता और हमें पता चलता कि हमें इस पुरानी हवेली के बारे में इसने नहीं बताया क्योंकि इसके पीछे भयानक सा राज छुपा है। हो गया मजाक? छाया सगाई की इतनी सारी तैयारियां बाकी है और तुम हो कि बच्चों की तरह बच्चों के साथ लगी हुई हो। सारे गिफ्ट्स ठीक से अरेंज कर देना। तन्वी याना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हवेली पुरानी है, हो सकता है कि हमारी रीत रिवाज तुम्हें पुराने लगे, लेकिन कल मेरे बेटे के साथ तुम्हारी सगाई है और मैंने आज तक तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कंगन लेकर आई हूँ। आप भी क्या बाकियों की तरह फिल्मी हो रही हो? क्या ये कंगन मंगन दे रही हो? अभी तक शादी वादी हुई नहीं है, और अगर नहीं हुई तो मैं ये बैंगल्स वापस ही नहीं करूँ। ओए तुम मुझसे शादी बैंगल्स के लिए कर रही है? तुम्हें डाउट है क्या?
बिलीव मी, मैं सिर्फ ये बैंगल्स और बंगले के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ। सुना माँ, तन्वी 10 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, थोड़ी घास क्या डाली, हवा में उड़ने लग गई। अरे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, एकदम बदमाश। शायद इसीलिए तुम दोनों की कुंडली इतने अच्छे से मैच हुई। अरे माँ, अगर कुंडली अपने आप मैच नहीं होती ना, तो ये अपने हाथ से बदल कर मैच कर देती। ये ऐसी है। ए, चुप कर, बस कर। भाई मैं तो चली, ढेर सारा काम पड़ा है, ये लो। कितना खूबसूरत है ये, कैसे लगे तुम्हें? यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऋतिक तुम फिर से शुरू हो गया ना? अरे अच्छे हुए नेटवर्क नहीं है। अरे इम्पोर्टेंट काम करना है तुम, प्लीज। अच्छा सॉरी, मेरा फोन दे दो प्लीज। बॉस यही फर्स्ट स्टेप है, सारे प्रॉब्लम की शुरुआत ना यही से होती है। अब जल्दी से डिसाइड करो, तुम्हें एंगेजमेंट करनी है या फोन वापस चाहिए? बता रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, अभी इसे ना डायमंड नेकलेस मांग ले। हाँ ऋतिक, ठीक है, डायमंड नेकलेस मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, लाइफ में पहली बार सही बात कही आपने। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने बेटे की मंगनी करने के लिए इसी महल में वापस क्यों आना था। आपको पता है आपको कि यहां से कितना भयानक पास जुड़ा हुआ है हमारा। अंदाजा इस बात का नहीं? ए सन, आइए, आज मैं आप लोगों को आपके फैमिली ट्री से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्या है आप लोगों के ग्रेट परदादा उदय प्रताप, ब्रिटिश सरकार बहुत डरती थी इनसे। आई हाय, इनका डिजाइनर कौन था? तो उन्होंने इनको बहुत सारी जमीन यहाँ पे दे। लगता है ये डांट के जैसे जिम नहीं जाते थे। और ये आपके दादा भानु प्रताप, ये भी काफी ग्रेट हुआ करते थे। ये डाकू रे डाकू, थैंक गॉड हमारा नाम इनके नाम जैसा नहीं है। और यहाँ किसका पोर्ट्रेट था? मैंने कहा ना, वो गांव वाले मुझसे नाराज है, लोगों ने फाड़ दिया होगा। डैड, इसका मतलब है कि फटा पोस्टर और निकला हीरो। पहले एक्सीडेंट, फिर ये पुश्तैनी हवेली, और अभी नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। छोटी मालिक आप? हाँ, आपको कुछ चाहिए? मैं अभी लेकर आता। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू जी। अरे काका जी, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आपको नहीं पता छोटे मालिक, ये शिव मंदिर से आ रही है।
इधर दिखाओ। तुम लोग ना? अरे मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि ठीक है कि नहीं। एकदम शब्द टाइप। यामिनी भाभी, वैसे ये चंगा आइडिया था आपका, शहर की पॉल्यूशन से इतनी दूर नेचर शेचर की गोद में, हमारी बॉडी तो एकदम डिटॉक्स हो गई। हाँ, कल तेरी एंगेजमेंट और उसके 5 दिनों के बाद द बिगेस्ट द फैटेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट इंडियन वेडिंग ऑफ द ईयर, फीफा की ओपनिंग सेरेमनी भी तेरी शादी के सामने फीकी पड़ जाएगी। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है डैड? शो करना चाहता हूँ यार अपना प्यार तेरे लिए। डैड, इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डैड, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप, एक सवाल है आपके लिए, यहाँ क्यों, इसी गांव में ही क्यों? आई मीन, मैं यहाँ पहले कभी आया भी नहीं हूँ। एक कर्ज चुकाना। कर्ज? 9 महीने का कर्ज, तेरी मॉम का कर्ज, उसने तुझे अपनी कोख में रखा है ना। बस उसने कहा कि तेरी एंगेजमेंट होगी तो यहीं पे हो, और चले आए यहाँ पे अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो भाई साहब, भाई आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। समझ जाना चाहिए था कि ऋतिक भैया की पार्टी है तो ऋतिक भैया जैसी बोरिंग ही होगी। ऋतिक आ जा यार। कम ऑन यार गाइस, कुछ तो एक्साइटिंग करते हैं। झूठा डेयर खेले? यस, वैसे तो ये ऑलरेडी डेयर कर रही है ऋतिक भैया से शादी करके। सोचना इस पुरानी हवेली के कितने राज खुलेंगे। क्लास खुलेंगे और ड्रामा बढ़ेगा, सस्पेंस बाहर आएगा। तो चलो चलो चलो, देखते हैं किसमें है हिम्मत हमारे सवालों के जवाब देने की। ओके ओके गाइस, मैं जल्दी से आपको गेम के रूल समझा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल गेम है। देखो, मेरे हाथ में है ये बॉटल, और इस बॉटल को मैं अब घुमाऊंगा, और जिसमें भी ये बॉटल आकर रुकेगी उसे हमारे एक सवाल का सच्ची सच्ची जवाब देना पड़ेगा। ओके, डन डन डन। और उसके बाद दिस इज द बेस्ट पार्ट, हम लोग जो कहेंगे उसे वो करना पड़ेगा। और जो भी कहेगा? हाँ ताऊ जी, उसमें तो मजा है, जो हम बोले, और प्लीज मना नहीं कर सकता कोई। ओके, लेट्स स्टार्ट। कौन है ये लड़की, मैं क्यों उसे ऐसे देख रहा हूँ? ऋतिक भैया। हेलो ऋतिक भैया, कहाँ खो गए? हाँ, आपका डेर है भैया। चलिए, आपको पहले डेर लेना पड़ेगा, कोई गाना गा के सुना दीजिए। ऋतिक भैया गाना? चलो मैं गाना। ऋतिक भैया गाओ ना प्लीज, चलो गा दो। ऋतिक की तरफ से मैं गाऊंगी। हाँ, ओहो, आए, आए, गाओ बेटा। बहुत अच्छा लगा भाभी। चलिए, अब आपने जब डेयर ले लिया है
तो ट्रुथ भी आप ही ले लीजिए। यस गुड आइडिया। अब ट्रुथ 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 प्लीज ट्रुथ। अच्छा ठीक है बताओ। तो आप बताइए आप ऋतिक भैया के प्यार में पड़ी कैसे? What is all this? अब बोला है हाँ तो भुगतना तो पड़ेगा ही। बोलो बोलो क्या होता है प्यार? What is love? प्यार बड़ी अजीब सी चीज होती है, ढूंढने जाओ तो कभी नहीं मिलती, और अगर ना ढूंढो तो किस्मत उसे अपने आप अचानक एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा कर देती है। पहली बार मैंने उसकी सिर्फ आंखें देखी, पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या नशा था कि मैं अपनी नजरें नहीं झुका पा रही थी। वो कहते हैं ना पहली मुलाकात में ही जादू हो जाता है, पहली बार मिलकर भी दो लोग अजनबी नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें ही बुला रहा है था, उसे सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार था। माइंड ब्लोइंग, मेरा नशा भी ना सेम टू सेम ऐसा है। आई थिंक ना मुझे पता है कि प्यार क्या होता है। अच्छा ले लो। दीदी ये इंसानों के प्यार की बात कर रहे हैं, आपका प्यार मुझे पता है। नहीं नहीं ये सब कुछ मैं नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज। अच्छा अच्छा मॉम ऐसा करिए आप देर मत लीजिए, लेकिन ट्रुथ तो ले लो कम से कम। हाँ पर सवाल कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा। माँ बहुत टाइम से मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, कुछ जानना चाहता हूँ। इच्छाधारी नाक क्या होते हैं? माँ मैंने हमेशा नोटिस किया है जब भी सांप का जिक्र होता है आप अपसेट हो जाती हो, क्यों? आखिर क्या होते हैं इच्छाधारी नाक? टीवी सीरियल्स फिल्मों किताबों में होते हैं, असलियत में तो नहीं होते ना? होते हैं। जब कोई नाग और नागिन 100 साल तक शिवजी की आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, तो उन्हें एक वरदान प्राप्त होता है। वो वरदान जिससे वो जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। साल की कठिन तपस्या के बाद इच्छाधारी नागिन बन पाई। 20 साल इंतजार किया है मैंने इस मौके का, महाशिवरात्रि की इस रात का। आज सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, बदला लेने आई हूँ मैं उस प्रेम कहानी का जिसका दुखद अंत किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, मैंने खुद देखा इच्छाधारी नाग को। वो अलग बात है, 4 बोतल वोडका पीने के बाद। कुछ मॉम बकवास कर रही है, आप कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। आज कोई सामान्य रात नहीं है, मान्यता है कि आज शिवरात्रि की पूजा में उस नाग मंदिर में हजारों लाखों नाग इकट्ठा होते हैं। इन नागों का संचालक ये पूजा करता है, एक सिद्ध सपेरा जिसकी विद्या और शक्ति के सामने सारे नाग भी अपना सर झुकाते हैं। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही, इन इच्छाधारी नागों पर पहले मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब असल जिंदगी में जब इनसे मेरा सामना हुआ तो इन पर यकीन न करने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं। आफ्टर ऑल कहते हैं ना कि एक औरत शादी से पहले जोगन होती है और शादी के बाद नागिन बन जाती है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर तो नागपंचमी को विमेंस डे डिक्लेयर कर देना चाहिए। नहीं कॉफी बोली थी ने, नाश्ते के साथ तो चाहिए ना, है ना? ये इट द फॉर, ये क्या किया? जाओ बाहर यहां से, आउट। हेलो चिल्ला क्यों रहे हो उस पे? गलती हुई है, जान के नहीं किया उसने, अपना काम ही कर रही थी वो। जी सर, तुम बाहर जाओ, मैं आके तुमसे बात करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। हाँ कहा था ना तुमसे, कितनी प्रेस्टीजियस पार्टी है मुंबई से। हाँ
और वो खाना हम लोग इतनी मेहनत से वो खाना इसलिए बनाते हैं कि तुम उसे गिरा सको। हैं? You are fired. जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। हमारे यहाँ कोई भी एक बार गलती करे तो दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। यू आर फायर्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कल आपकी एंगेजमेंट पार्टी ये लड़की खराब ना कर दे इसलिए इसे फायर कर रहा था सर। अगर ये लड़की कल पार्टी में नहीं आई तो तुम्हारी केटरिंग भी नहीं आएगी। कर गए बट मैंने उस मैनेजर को बोल दिया वो तुम्हें फायर नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। Okay. मेरे पास कुछ दवाइयां हैं मैं तुम्हें भिजवा दूंगा ले लेना कल तक ठीक हो जाओगे।
सबसे बहादुर सोल्जर। क्या है ना, तुमने गलती जरूर की है, पर मैं ना सबको माफ करने वालों में से हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे रहा हूँ। ये अंगद हमेशा चीटिंग करता है। कहाँ थे तुम? इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक तुमने मिस कर दिए। क्या फिर साफ सफेरे की बातें हो रही थी? उससे भी कई ज्यादा डेंजरस टॉपिक के बारे में, अबाउट लव। मॉम कह रहे थे कि प्यार वो होता है जो फर्स्ट साइट पे हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? मैं प्यार में विश्वास ही नहीं करता, फिर फर्स्ट साइट हो या फिफ्थ, कोई मतलब ही नहीं बनता। चुप रहो। जो भी चीटिंग कर दुर्गा बना दूंगा और लड़कियों को मुर्गी। चीटिंग कर रहा है ये? मुर्गा बनता है मुर्गी अभी पता नहीं। मुर्गा मेरी आदत लगा उसको। Awesome. घर पर नेटवर्क नहीं आता और यहाँ आ रहा है। सपने में आता है।
तुम्हारा यहाँ आना, इस जगह को बार बार अपने सपने में देखना, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये एक नागिन के बदले की पहली कड़ी है। पूरी कायनात मिलकर भी एक नागिन को अपना बदला लेने से नहीं रोक सकती। तुम जिस कहानी को जानते तक नहीं, वो कहानी दोहराई जाएगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.